अपने को इक्वेशन मिला था वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, बराबर है। और इससे अपन ने फिर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाला था, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला जो आया है वो ये वाला है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का ए इक्वल टू अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव प्लस ए टू स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आया अपना, ठीक है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का। अभी हमने एक स्पेशल केस करके दिख रहा है तुमको, यहाँ पे स्पेशल केस लिखा हुआ है, बराबर है। तो ये जो स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस में हम लिख रहे हैं फाई इक्वल टू ज़ीरो। फाई इक्वल टू ज़ीरो का मतलब होता है कि दोनों जो वेव मिलने वाली वेव है, बराबर है, ये दोनों वेव जो है एक साथ स्टार्ट हुई, तो इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है फाई वो ज़ीरो है। वो फेज डिफरेंस क्या है? ज़ीरो है। दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस ज़ीरो है। तो अगर हम फेज डिफरेंस अगर ज़ीरो रखते हैं तो व्हाट वी विल गेट हियर, हम ले रहे ए वन स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव की जगह, बराबर है, कॉस फाइव था, दिख रहा था हमको कॉस फाइव, कॉस फाइव की जगह कॉस ज़ीरो लेंगे और ये ए टू स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये कॉस फाइव ज़ीरो हो गया, इसलिए कॉस ज़ीरो वन हो जाएगा, कॉस ज़ीरो वन हो जाएगा, तो ये फार्मूला हो जाएगा ए वन स्क्वायर प्लस, हाँ हाँ तो वो मीटिंग आई डी था, ये बोलना ऐड होना बोलना उसको, ठीक है, बोलना कोई बात नहीं, देख लेंगे बाद में आराम से, ठीक है। तो ये हो गया ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर, ए वन ए टू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस ये हो गया ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर, तो यहाँ रखा तो इसका आंसर आया ए वन प्लस ए टू। याद रहे इस केस में अपन ने फेज जो है वो ज़ीरो लिया है, क्या लिया है? फेज़ ज़ीरो। फेज़ ज़ीरो का मतलब होता है कि दोनों वेव जो है वो साथ में स्टार्ट हो रहे हैं। कब स्टार्ट हो रहे हैं? साथ में स्टार्ट हो रहे हैं। सो फेज़ डिफरेंस इज़ ज़ीरो, दोनों के बीच में कोई टाइम डिफरेंस नहीं है। अब और यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड मिला तुमको, दिस एम्पलीट्यूड इज सेड टू बी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। इस एम्पलीट्यूड को हम बोलते हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहेगा तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम रहेगी, याद रखो। जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहेगा तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम रहेगी। उसका फिर फ़ोन आएगा तो उसको बोलना देखो वीडियो भेज देंगे बोलना, ठीक है, मैं वीडियो भी बना रहा हूँ साथ में, ओके। तो यहाँ पे ए वन प्लस ए टू आया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, दिस इज सेड टू बी अ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, क्या बोलते हैं इसको, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अगर ए वन को भी ए रखे हमने, ए टू को भी ए रखे, अगर दोनों वेव का एम्पलीट्यूड अगर सेम रहा तो यहाँ पे ए वन प्लस ए टू इक्वल टू टू ए हो जाएगा, ए प्लस ए टू ए हो जाएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। यहाँ पर समझ में आया? मेरा आवाज़ अटक रहा है, आवाज़ अटक क्यों रहा है इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता। तुम्हारा नेट प्रॉब्लम है क्या? मेरी आवाज़, मेरी आवाज़ अटकने का तो कोई कारण नहीं है।
तो यहाँ पे अपन ने a इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वन ए टू कॉस फाइव प्लस ए टू स्क्वायर था अंडर रूट में, तो यहाँ पे फाइव को ज़ीरो रखा क्योंकि दोनों के बीच में का जो फेज डिफरेंस है वो ज़ीरो है, बराबर है। तो अपने को मिला ए वन प्लस ए वन स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस ज़ीरो प्लस ए टू स्क्वायर, तो ये कॉस ज़ीरो वन हो जाता है, इसलिए ए वन स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस प्लस ए टू स्क्वायर आएगा, इसका ए वन प्लस ए टू होल स्क्वायर होगा, इन शॉर्ट ए वन प्लस ए टू मिलेगा। ठीक है, ये था जब फेज डिफरेंस ज़ीरो रहेगा तब। आवाज़ आ रही है? अब अगर हमने ए वन ए टू को अगर ए ले लिया तो उस केस में ये ए और ये ए ऐसा टू ए हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा टू ए। ठीक है, अब अगर हम लेते हैं फेज डिफरेंस पाए, मतलब ये एक वेव इस तरह स्टार्ट हो रही है, और दूसरी वेव जो है वो इस तरह है, इस केस में क्या होता है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ज़ीरो आता है। यहाँ फेज डिफरेंस पाई का है, एक इस तरह स्टार्ट हुई है, बराबर है, और एक इस तरह स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस है पाई का, फेज डिफरेंस है पाई का। फेज डिफरेंस, अरे वो फ़ोन कर रहा है बार बार पागल है। ठीक है, यहाँ फेज डिफरेंस पाए है, ओके। नाउ अगर हम फेज अगर पाए का लेते हैं, विल विल टेक फेज पाए इफ द, उस केस में हम यहाँ पे अपन ने पाए की वैल्यू रखा है, तो अपने को कॉस पाई मतलब कॉस 180 इज माइनस वन, तो अपने को ए वन स्क्वायर माइनस टू ए वन ए टू प्लस ए टू स्क्वायर मिलेगा, मतलब ये ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। इन शॉर्ट अपने को ए इक्वल टू मिलेगा ए वन माइनस ए टू। तो अभी ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिला अपने को ए वन माइनस ए टू, क्या मिला ए वन माइनस ए टू। ठीक है, इस केस में एम्पलीट्यूड मिनिमम रहता है, ए वन प्लस ए टू मतलब मैक्सिमम, ए वन माइनस ए टू मतलब मिनिमम। और अभी इंटेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, सो आई मैक्स जो है वो ए वन प्लस ए टू का स्क्वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, सो आई मीन जो है वो ए वन माइनस ए टू, ये मिनिमम एम्पलीट्यूड है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, इसलिए आई मैक्स बाय आई मीन हो जाएगा ए वन प्लस ए टू होल स्क्वायर अपॉन ए वन माइनस ए टू होल स्क्वायर। ए वन प्लस ए टू कहाँ मिला था, मैक्सिमम के केस में कहाँ मिला था, मैक्सिमम के केस में, और ए वन माइनस ए टू कहाँ मिला, मिनिमम के केस में। ठीक है ना, तो इन दोनों का अगर रेशो लेता हूँ मैं, तो आई मैक्स बाय आई मीन इक्वल टू ए वन प्लस ए टू होल स्क्वायर अपॉन ए वन माइनस ए टू होल स्क्वायर। यहाँ पे फेज डिफरेंस ज़ीरो था, यहाँ फेज डिफरेंस पाई था, अपन ने देखा इसके पहले, ये फेज डिफरेंस पाई लिया मैंने यहाँ पे, ये फेज डिफरेंस पाई लिया था मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने को ए वन माइनस ए टू मिला था। ठीक है, इट्स अ मिनिमम एम्पलीट्यूड, और यहाँ पे अपन ने फेज डिफरेंस ज़ीरो लिया था, यहाँ अपन ने फेज डिफरेंस ज़ीरो लिया था, तो अपने को ए वन प्लस ए टू मिला था। आई बात समझ में, ए वन प्लस ए टू मिला, जैसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए वन प्लस ए टू, सो आई मैक्स बाय आई मीन इक्वल टू ए वन प्लस ए टू होल स्क्वायर अपॉन ए वन माइनस ए टू होल स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक मैं लेता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स, एक्सप्रेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। ठीक है, तो यहाँ पे दो वेव है, एक वेव तुमको दिख रही है डॉटेड जो है वो एक वेव है, बराबर है, और दूसरी वेव ये है जो क्लियर लाइन है, शेडेड लाइन बोलते हैं उसको, ये शेडेड लाइन। तो ऐसे दो वेव जब एक दूसरे से मिलेंगे, ये दोनों वेव जो है इस तरह के है
कि वो एक ही पाथ पे जा रहे हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, और वो दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, और वहाँ पे जो वेव फॉर्म होगी उसको स्टेशनरी वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्टेशनरी वेव। ये दो वेव, एक एक ये जा रही है वेव बराबर है, और ये वेव रिफ्लेक्ट होके आ रही है वापस, तो ये दोनों वेव एक दूसरे से मिलेंगे तो वो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस करते हैं। स्टेशनरी वेव में इस पॉइंट को जहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़ीरो है, इस पॉइंट को नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड। और यहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, इसको हम एंटी नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको भी एंटी नोड बोलेंगे, इसको भी एंटी नोड बोलेंगे। एम्पलीट्यूड जहाँ मैक्सिमम है दैट इज़ कॉल्ड एज एंटी नोड, दैट इज़ कॉल्ड एज एंटी नोड। तो यहाँ पे दो साउंड वेव्स है बराबर है, दे आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये एक वेव को लिया है उसने, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने वाली वेव है, वाई वन इक्वल टू ए साइन टू पाई एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा, ये एक वेव का इक्वेशन है। दूसरे वेव का इक्वेशन है वाई टू इक्वल टू ए साइन टू पाई एन टी प्लस लिखा है यहाँ पे, ये प्लस मतलब ये निगेटिव डायरेक्शन में जा रही वेव, इधर जा रही है वेव। बताता हूँ तुमको, दो अलग अलग वेव है, एक इधर जाने वाली और एक इधर आने वाली, ये दोनों वेव मिलेंगे तो स्टेशनरी वेव फॉर्म होगा। ये जो है ये राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव की तरफ जाने वाली वेव है ये वाली, और ये जो है वो निगेटिव की तरफ जाने वाली वेव है, मतलब इधर जाने वाली टुवर्ड्स लेफ्ट, और ये दोनों वेव मिलेंगे, दोनों वेव मिलेंगे तो स्टेशनरी वेव फॉर्म होगा, ठीक है। ये वेव के इक्वेशन पे मत जाओ, ये जनरली वेव का इक्वेशन होता है, वाई वाई वन लेंगे पहले वेव को, दूसरे वेव को वाई टू लेंगे, वाई वन इक्वल टू ए साइन टू पाई एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा, ठीक है। एन इज़ द फ्रीक्वेंसी, एक्स इज़ द डिस्टेंस, लैम्बडा इज़ द वेव लेंथ, ठीक है। ए इज़ द एम्पलीट्यूड, ए इज़ द एम्पलीट्यूड। सो वाई वन इक्वल टू ए साइन टू पाई एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा, और वाई टू इक्वल टू ए साइन टू पाई एन टी प्लस एक्स बाय लैम्बडा। ऐसे दो वेव्स है, ये दोनों वेव्स नाउ दे विल इंटरफेयर, इंटरफेयर मतलब सुपर पोजिशन होगा। सो वील टेक वाई इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, वील टेक वाई इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू। हम हमेशा रिजल्टेंट निकालने के लिए वाई इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू ही करते हैं, इसके पहले भी अपन ने वैसे ही किया था, याद होगा तुमको इसके पहले वाले डेरिवेशन में। अब हम यहाँ पे, अब पूरा मैथमेटिक्स है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दो, ये वाई वन की वैल्यू है, ये वाई टू की वैल्यू है। सो वाई इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू लिया, अब ये साइन सी और साइन डी है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ का ए कॉमन देता हूँ, कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ साइन टू पाई एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा, और यहाँ साइन टू पाई एन टी प्लस एक्स बाय लैम्बडा रहेगा, ओके। अब यहाँ फार्मूला यूज़ करूँगा मैं साइन सी प्लस साइन डी का, ये फार्मूला है साइन सी प्लस साइन डी का, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ऐसा फॉर्मूला है। तो वाई इक्वल टू टू ए, वाई इक्वल टू टू ए, ये टू है ना, ये टू है ये, और ए कॉमन निकाला था मैंने, तो ये ए कॉमन है ये, ठीक है। सो टू इंटू ए, यहाँ का भी और यहाँ का भी ए कॉमन निकाला मैंने, ये ए वाला है, ठीक है। और ये टू जो लिखा है ये टू ए वाला है, गेटिंग द पॉइंट। अब सी इसको बोलते हैं, ये है सी, ये है सी, और ये है डी। इसका साला कलर चेंज नहीं होता क्या? रिफ्रेश से प्रीम कास्ट मीडिया आएगा, हाँ होता है होता है। तो ये है ये सी है और ये डी है, ओके। तो सी प्लस डी करेंगे, ये सी और ये डी,
तो ऐड करेंगे, डिवाइड बाय टू करेंगे, डिवाइड बाय क्या करेंगे, टू। तो एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा एन टी प्लस एक्स बाय लैम्बडा। सी और डी में क्या दिया है, एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा एन टी प्लस एक्स बाय लैम्बडा। तो ये एक्स बाय लैम्बडा और एक्स बाय लैम्बडा कैंसिल हो जाएगा फिर, तो बराबर क्या। तो टू पाई एन टी प्लस टू पाई एन टी फोर पाई एन टी डिवाइड बाई टू, मतलब टू पाई एन टी। तो सी सी प्लस डी को करना है, ये जो रेड में मैंने ब्रैकेट निकाला ये सी है, ठीक है ना, और ये डी है। लेट मी इरेज, फर्स्ट ऑफ ऑल इरेज कर लेता हूँ। चलो अच्छी बात है, हम वाई इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू कर रहे हैं, अभी हम सी प्लस डी करेंगे। ओके, सी प्लस डी में, सी प्लस डी में ये है सी, ये है सी और ये है डी। इन दोनों को ऐड करूंगा मैं, साइन सी प्लस डी करना है मुझे, बराबर है। तो सी और डी को ऐड करूंगा, ये सी है ये डी है, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पे प्लस एक्स बाय लैम्बडा है, यहाँ पे माइनस एक्स बाय लैम्बडा है, ये माइनस एक्स बाय लैम्बडा और ये प्लस एक्स बाय लैम्बडा। सो दिस इज गोइंग टू कैंसल, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या एन टी, यहाँ पे भी एन टी, तो टू पाई एन टी, टू पाई एन टी मतलब फोर पाई एन टी, फोर पाई एन टी डिवाइड बाई टू है ये वाला टू, फोर पाई एन टी को टू से डिवाइड करेंगे टू पाई एन टी आएगा। अब कॉस की बात करते हैं, कॉस ये सी ये माइनस डी, मतलब टू पाई एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा माइनस टू पाई एन टी। अब इसका साइन माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कर रहे, और इसका भी साइन माइनस हो जाएगा, बराबर है। तो ये माइनस और ये प्लस एन टी एन टी कैंसिल हो जाएगा, एन टी एन टी क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ रहेगा माइनस एक्स बाय लैम्बडा ये माइनस एक्स बाय लैम्बडा, सो माइनस टू एक्स बाय लैम्बडा। नीचे ये टू टू पाई एक्स बाय लैम्बडा टू पाई एक्स बाय लैम्बडा माइनस में, तो माइनस फोर पाई एक्स बाय लैम्बडा। फिर से एक बार देखें, ये टू पाई एक्स बाय लैम्बडा, टू पाई एक्स बाय लैम्बडा माइनस साइन, ये टू पाई एक्स बाय लैम्बडा माइनस साइन, तो हो जाएगा माइनस फोर पाई एक्स बाय लैम्बडा। और नीचे डिवाइड बाई टू है तो टू से डिवाइड करेंगे तो टू पाई एक्स बाय लैम्बडा, तो ये आ गया टू पाई एक्स बाय लैम्बडा। माइनस साइन रहता है लेकिन कॉस ऑफ माइनस थीटा इज प्लस कॉस थीटा, इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन कंसिडर नहीं करेंगे। कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, इसलिए हम माइनस साइन कंसिडर यहाँ पे नहीं करेंगे। सी वंस अगेन, हमने यहाँ पे दो साइन दो वेव्स लिए हैं, हमने यहाँ पे दो वेव्स लिए हैं, बराबर। एक है वाई वन और एक है वाई टू, एक है वाई वन और एक है वाई टू। दिस इज़ वाई वन, दिस इज़ वाई टू, दिस आर द टू टू वेव्स, ठीक है। ये दोनों वेव्स यहाँ पे मिलने वाले, ये वाई वन और ये वाई टू, एक जाएगी पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव डायरेक्शन वाली वेव है और ये निगेटिव डायरेक्शन वाली वेव है, और ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो स्टेशनरी वेव फॉर्म होंगे, इसको स्टेशनरी वेव बोलते हैं, जैसे अपन ने डायग्राम में देखा, ठीक है ना। अब ये इसका इक्वेशन है माइनस आता है यहाँ पे, इसके इक्वेशन में प्लस आता है, ठीक है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए एक माइनस है और एक प्लस है। जो राइट साइड में जा रही है वो माइनस है, जो लेफ्ट साइड में आ रही है वो प्लस है। अब ये दोनों मिलेंगे, मिलेंगे तो क्या होगा, रिजल्टेंट फॉर्म करेंगे वाई इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, वाई इक्वल टू क्या करेंगे वाई वन प्लस वाई टू, और y इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू करेंगे तो y1 अपर रखेंगे, ये y1 की इक्वेशन है और ये y2 की इक्वेशन है, इक्वल टू y हो गया, इक्वल टू क्या हो गया y। यहाँ से a कॉमन निकाल लूँगा, ये साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला यूज़ करूँगा, क्या फार्मूला है, टू साइन c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ये फार्मूला मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, ये फार्मूला मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो ये है c और ये है डी, ये ए कॉमन निकाल लिया मैंने, तो इसके आंसर में ये आ गया टू ए, ये टू का ये टू है और ए जो मैंने कॉमन लिया वो है ये वाला,
अब इसको मैं ऐड करूंगा, ये दो को सी को, ये सी है और ये डी है, इसको जब मैं ऐड करूंगा तो एन टी, एन टी तो प्लस हो जाएगा लेकिन माइनस एक्स बाय लैम्बडा और प्लस एक्स बाय लैम्बडा कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स बाय लैम्बडा और प्लस एक्स बाय लैम्बडा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, क्या बचा, टू पाई एन टी प्लस टू पाई एन टी, फोर पाई एन टी डिवाइड बाई टू, क्योंकि ये डिवाइड बाई टू है यहाँ पे, बराबर है, तो हो जाएगा टू पाई एन टी, इसलिए साइन के साथ में है टू पाई एन टी, साइन के साथ में सी प्लस डी बाई टू है, बराबर कि नहीं, तो साइन के साथ में टू पाई एन टी आएगा। सी और डी ऐड करने से एक्स बाय लैम्बडा और एक्स बाय लैम्बडा कैंसिल हो गए थे, आई बात समझ में। अभी अभी अपन माइनस करेंगे, कॉस वाला लेंगे, कॉस में क्या है, सी माइनस डी है, कॉस में क्या है, सी माइनस डी, कॉस में है सी माइनस डी। तो अगर ये है सी और ये है डी, इससे ये माइनस करना है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस एन टी हो जाएगा, ये माइनस एक्स बाय लैम्बडा हो जाएगा, तो माइनस एन टी और ये प्लस एन टी ये कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब माइनस एक्स बाय लैम्बडा माइनस एक्स बाय लैम्बडा, मतलब यहाँ पे टू पाए माइनस एक्स बाय लैम्बडा, टू पाए एक्स बाय लैम्बडा, ये टू पाए एक्स बाय लैम्बडा, दोनों माइनस है तो माइनस फोर एक्स बाय लैम्बडा, डिवाइड बाई टू है, डिवाइड बाई क्या है, टू है, तो टू से डिवाइड करेंगे तो टू पाई एक्स बाय लैम्बडा, नेगेटिव साइन को हम कंसिडर नहीं करते, तो ये आ गया टू पाई एक्स बाय लैम्बडा। यहाँ तक किसी को डाउट है, किसी को, इज इट क्लियर, इट्स कंप्लीट मैथमेटिक्स। हेलो हेलो, आया क्या समझ में बाकी लोग, अदर पार्टिसिपेंट्स? बस एक लास्ट स्टेप बाकी है, लास्ट स्टेप कंप्लीट करता हूँ फिर ये हो गया कंप्लीट। तो ये जो है ना 2a और ये cos, इस टर्म को मिला के कैपिटल A करते हैं, ये कैपिटल A किया है उन्होंने, ठीक है, और ये साइन 2 पाई एन टी जैसे का वैसे रखा, समझा, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन फॉर स्टेशनरी वेव, क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन फॉर स्टेशनरी वेव, गेटिंग द पॉइंट। 2a cos 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा को कैपिटल ए रखते हैं, 2a cos 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा को कैपिटल ए रखते हैं, और फिर वो हो जाता है इक्वेशन y इक्वल टू ए साइन 2 पाई एन टी, ये है एक्सप्रेशन फॉर स्टेशनरी वेव।